दोस्तों, लंदन शहर इंग्लैंड की राजधानी है और ये शहर संसार के नक्शे पे एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये उस ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी रह चुका है जिसके राज्य में कभी भी सूरज नहीं डूबता था। भले ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद लंदन शहर का महत्व कम हो गया हो, पर आज भी ये आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, मनोरंजन, फैशन और मीडिया के लिहाज से एक ग्लोबल शहर का दर्जा रखता है। और दोस्तों, ऐसे ही आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको लंदन शहर से जुड़े कुछ ऐसी बातों से रूबरू करवाने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान जरूर हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी लंदन को दुनिया के सबसे आलिशान शहरों में से एक माना जाता है। लंदन एक ऐसा शहर है जहां कुल 72 अरबपति रहते हैं, जो कि दुनिया के किसी और शहर से काफी ज्यादा है। लंदन को दुनिया का फाइनेंशियल शहर भी कहा जाता है। लंदन में स्थित बकिंघम पैलेस को दुनिया का सबसे महंगा घर माना जाता है और इसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इस घर के मालिक लंदन के राजवंशी थे। और दोस्तों, आपको शायद ये बात हैरान कर दे कि दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर लंदन में ही 1828 में बनाया गया था। और दोस्तों, लंदन को रोमेनिया के लोगों के द्वारा बसाया गया था, जिन्होंने इसका नाम लंडेनियम रखा था। और दोस्तों, शायद ये बात सुनकर आपको थोड़ी हंसी आ जाए कि लंदन के कानून के अकॉर्डिंग लंदन के संसद भवन यानी कि पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में मरना गैर कानूनी है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर यहाँ के संसद भवन में कोई इंसान मर भी जाता है तो मरे हुए इंसान को सजा क्या मिलेगी। 2016 में रहने के लिए लंदन को 6ठा सबसे महंगा शहर बताया गया था। दोस्तों, लंदन में स्थित आइकॉन झूला दुनिया का सबसे बड़ा झूला माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 135 मीटर है। इस झूले को पूरा एक चक्कर करने में 30 मिनट लग जाते हैं। दोस्तों, 16वीं शताब्दी के बाद लंदन में कानून बनाया गया कि रात के 9 बजे के बाद आप अपनी पत्नी के साथ मारपीट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे होने वाले शोर शराबे से दूसरे लोगों की नींद खराब हो सकती है। 18वीं शताब्दी में लंदन के चिड़ियाघर में घूमने के लिए एक ऐसा नियम था कि अगर आप टिकट न खरीद पाए तो आप शेर के भोजन के लिए अपने घर से डॉग या बिल्ली ले जा सकते हैं। यूं तो लंदन में इंग्लिश में लोग बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी लंदन में 300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और दोस्तों, आपको ये बात चौंका सकती है कि लंदन में भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है और बहुत सारे भारतीय लंदन में जाकर रह रहे हैं। लंदन की कुल आबादी में 6% भारतीय लोगों की आबादी है। और ये बात काफी हैरान कर देने वाली है कि दिल्ली और मुंबई के कुल रेस्टोरेंट से ज्यादा लंदन में इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। दोस्तों, लंदन को काफी अच्छा शहर माना जाता है और हर क्रिसमस के समय जब यहाँ के हर हिस्से को सजाया जाता है तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है और तब यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत सारे घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, लंदन की मेट्रो को इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है, इसलिए लंदन की मेट्रो में ड्राइवर्स नहीं होते। लंदन दुनिया का पहला ऐसा शहर है जिसने भूमिगत ट्रेन यानी कि अंडरग्राउंड रेल चलाई थी। दोस्तों, शायद आपको ये बात अजीब लगे कि लंदन में इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है कि यहाँ गाड़ियों की स्पीड इतनी कम रखी जाती है जितनी आज से 100 साल पहले लंदन के घोड़ा गाड़ी की स्पीड होती थी। साल 1952 में 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक लंदन में पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इससे 12,000 लोगों की मौत हो गई थी और इस घटना को लंदन में ब्लैक स्मोक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लंदन का सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि वहाँ की सड़कें भी काफी रोचक हैं। यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है और दुनिया के बहुत सारे लोग लंदन आने की ख्वाहिश रखते हैं। दोस्तों, 2014 में 1.6 करोड़ लोग लंदन में घूमने के लिए आए थे, जिससे लंदन बन गया दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्टों द्वारा विजिट किया जाने वाला शहर। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी बात आपको लंदन की सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,